अपनी बयानबाजी के भंवर में उलझे भाजपा नेताओं ने बयानों के बाद सफाई देते हुए दूसरी बार खुद को संभालने की कोशिश की है। वहीं कांग्रेस मौके का फायदा उठाकर पलटवार कर रही है। प्रदेश के जल संसाधन मंत्री द्वारा दिए बयान के बाद उन्होंने फिर मीडिया के सामने सफाई देने की कोशिश की है और कहा कि वह बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करने वालों पर कार्यवाही करेंगे। उन्होंने विकास दुबे को कलंक बताया और पीएम सीएम को धन्यवाद दिया था। देश के प्रधानमंत्री, मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, ऐसे लोग समाज के लिए कलंक है, कलंक है। विकास दुबे जो कि बहुत बड़ा गुंडा था, ये समाज के लिए एक कलंक है और इस अपराधी के विरुद्ध जो कार्रवाई की गई थी, मैंने देश के प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया था। सोशल मीडिया पर कांग्रेस द्वारा गलत तरीके से मेरे इस बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है, मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और इन पे कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करूंगा। वहीं इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने भी गैंगस्टर विकास दुबे को दुबे जी कहकर फिर अपने शब्दों को संभालने की कोशिश की और गलत नाम बोल गए। वहीं इस वाक्य के बाद सांसद लालवानी ने भी एक वीडियो के माध्यम से सफाई दी है। मैंने कहा था कांग्रेस को सहानुभूति हो सकती है, पूरे देश में जहां भी जिससे आप बात होगे उनको दुबे जी के बारे में कोई सहानुभूति नहीं है। संतोष दुबे के बारे में तो हम किसी का जब नाम पुकारते तो जी बोलते, और मेरे साथ हमारे एक मित्र कार्यकर्ता संतोष दुबे जी खड़े थे तो इसलिए संतोष दुबे जी निकल गया। नहीं तो जिस प्रकार विकास दुबे ने जो काम किया है, हमारे वीर बहादुर पुलिस वालों की जिस प्रकार से हत्या की है, वाकई में पूरा समाज चाहता है कि जो सजा उसको मिली है वो सही सजा है। मंत्री और सांसद की जुबान से गलती होने के बाद कांग्रेस ने इस मामले को आड़े हाथों लिया है और मौके का फायदा उठाकर जमकर निशाना साधा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने मंत्री सिलावट पर जमकर निशाना साधा है और कहा कि भगवान महाकाल एक बार सच कहलवा देते हैं और इनके साथ भी यही हुआ। लगता है सबसे ज्यादा अफसोस शंकर ललवानी जी को है जो एक दुर्दंत अपराधी को दुबे जी बोल रहे हैं। बहुत आश्चर्य होता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जिनको ये भी नहीं मालूम है कि जो अपराधी है उसका नाम क्या है, उसका नाम संतोष दुबे बता रहे हैं। इंदौर के क्या हाल होंगे, इंदौर की क्या स्थिति होगी, ये तो जनता भली भांति समझ सकती है। लेकिन आदरणीय शंकर ललवानी जी इतना अफसोस ना करें, अब तो ऐसा शंका होने लगी है कि शायद नरोत्तम मिश्रा जी के साथ आप भी इन्वॉल्व हैं यहाँ से इंदौर से उज्जैन के दर्शन कराने में, और जिसके कारण आपको बहुत दुख है और आप एक दुर्दंत अपराधी को दुबे जी बोल रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है इंदौर के लिए। सिलावट जी चाहे लाख कितना ही दिन भर झूठ बोले, लेकिन सच एक बार सामने आ ही जाता है। भगवान महाकाल दिन में एक बार सच जिमा पर लाते हैं और आज उन्होंने सच बोला है कि मोदी जी, योगी जी और मुख्यमंत्री शिवराज जी समाज के कलंक हैं। ये वो सच है, ये वो कड़वा सच है जो वो खुद भी जानते हैं, जो सांवेर की जनता भी जानती है, जो मध्य प्रदेश की जनता भी जानती है, लेकिन लगातार जनता से झूठ बोलते हैं। आज भगवान महाकाल ने वो शब्द जमा पर लाए हैं जो उनके दिल में थे और वो सामने आए हैं। उनको जनता से माफी मांगना चाहिए और अपने शब्दों पर कायम रहते हुए इस मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना चाहिए। इंदौर से सतीश शर्मा की रिपोर्ट।